जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बेदर्दी बेरहमी से घसीटते हुए मोटरसाइकिल सवार वृद्ध को आधे किलोमीटर तक ले जाने के बाद भी आखिरी सांस गिनता रहा और आनंद फानन में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। आखिरकार आज अलाउद्दीन की मौत हो गई। जी मैं बात कर रहा हूं बीते दिनों बेंगाबाद मुख बाजार के बाबा स्वीट्स दुकान के सामने से एक हुंडई कार गिरिडीह से आ रही थी और खुटरीबाद के गांव निवासी अलाउद्दीन मियां अपने बेटी के घर महेश मुंडा जा रहा था। इसी दौरान बाबा स्वीट्स के सामने से गुजरने के दौरान गिरिडीह से आने के क्रम में एक हुंडई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारी ये तो बात समझ में आता है कि ये तो इत्तेफाक की घटना होती है, लेकिन जब टक्कर मारने के बाद में मोटरसाइकिल वृद्ध का एक तरफ फेंका गया और दूसरा उसका पूरा बॉडी गाड़ी में लटक गया और बताया जाता है कि आधा किलोमीटर तक बेंगाबाद के बाबा स्वीट्स से रेंज ऑफिस तक खसीटता हुआ उस कार से ले जाया गया। आखिर क्यों ले गया, किस कारण से ले गया? जब वहां इत्तेफाक हल्ला हुआ और आसपास के लोगों ने कार को भी धर दबोचा, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने हुंडई कार को जब्त कर लिया। उसे इलाज के लिए गिरिडीह भेजा गया जहां बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। पीएमसीएस, अशरफी अस्पताल आदि जगह इलाज के कराए गए। आखिरकार इनका दम आज टूट गया और उनका शव धनबाद से लाने के क्रम में बेंगाबाद थाना पहुंचा। काफी परिजनों का भीड़ था, जानने पहचानने वालों का भीड़ था। खुटरीबाद गांव के काफी ग्रामीण वहां पर मौजूद थे। जुआ नेता हसनैन आलम, मुखिया मोहम्मद शमीम अंसारी, सूचना पाकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी पहुंचे उनके घर और जनाजे में शामिल भी हुआ। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाया। वहीं युवा नेता हसनैन आलम ने कहा कि प्रशासन के द्वारा पहल की जा रही है और मदद करने की भी बात कही गई है। खास बात यह है कि नवगठित पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा, जिनके अध्यक्ष श्रीकांत ओझा जुबिंगाबाद के थाना प्रभारी, उनके निर्णय पर 10,000 रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को दिया गया, उनके पुत्र फरीद को दिया गया। यह काफी सराहनीय कदम है थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा का। लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मदद भी करने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं युवा नेता हसनैन आलम और क्या कहते हैं मुखिया मोहम्मद शमीम। आगे की जानकारी हमारी बीएनबी एडिटर नेहा देंगे आपको। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। वेलकम टू बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज। आई एम नेहा मोदी, वी लुकिंग बीएनबी लेटेस्ट न्यूज। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ बीएनबी यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। जी नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं बीएनबी ताजा तरीन खबरें। बीते शुक्रवार 29 जनवरी को सुबह बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित मिष्ठान भंडार समीप ऑल्टो कार व मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार वृद्ध को ऑल्टो कार घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर घसीटते हुए ले गई थी। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द कर दिया तथा स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच रेफर कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान कल उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृत वृद्ध की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुटरीबाद गांव निवासी अलाउद्दीन मियां के रूप में हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा 10,000 रुपए नगद राशि देकर उन्हें मदद किया गया। वहीं थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा, विधिवत संगत कार्रवाई किया जाएगा। शव गांव पहुंचने से पूर्व थाना के मुख्य द्वार पर लेके पहुंचे थे परिजन,
इधर पुलिस जन सहयोग समिति द्वारा 10,000 रुपए की आर्थिक मदद किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं युवा नेता हसनैन आलम उर्फ टिंकू प्रधान मोहम्मद समीप। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। आप 12 बजे रात भी कॉल कीजिएगा, मैं तैयार हूँ। भाई नहीं यार, भाई नहीं है, तो ये चूंकि इस तरह की घटना जो है ये बहुत ही अमानवीय है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। उसी के संदर्भ में जो है हम लोग यहाँ पे बेंगाबाद थाना प्रभारी से आज वार्ता किए हैं। उन्होंने हर संभव हम लोगों को मदद का आश्वासन दिया है और अभी तत्काल में पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा 10,000 रुपया अपना क्रियाक्रम करने के लिए दिया गया है। और आगे भी चूँकि पहले जो है एक्सीडेंटल केस हुआ था, अब वह जो है 304 में बदलने का आश्वासन भी दिए हैं और जैसे भी होगा विधि सम्मत का। बहुत निंदनीय घटना, इसमें से घटना बेंगाबाद में डेली हम लोग सुन रहे हैं और हो रही है, इस पर भी जरा सा प्रशासन का निगाह होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि आज पूरे खुतरीबाद के तमाम लोग आए हुए थे, तो अभी हम लोग थाना प्रभारी से जाके बात किए, तो थाना प्रभारी ने आश्वासन दिए कि ठीक है, हम लोग जो है जहाँ तक होगा जो सरकारी प्रक्रिया है हम लोग पूरा मदद करेंगे और इसमें जो भी केस जो बनता है उसका वो हम लोग करके और प्रशासन से जो मदद मिलता है वो हम लोग कोशिश करेंगे। और जन पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा 10,000 रुपया भी तत्काल कार्यक्रम करने के लिए दिए और बोले कि और जहां तक जो सहयोग लगेगा। और भी कोई प्रशासन से मांग है क्या कि और बहुत उनका जो परिवार का जो आज ये वो कमाने वाले थे सिर्फ, और वो अब गुजर गए तो इनका परिवार को काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इसको हम लोग के तरफ से मांगे कि सरकारी और जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए उनके परिवार को। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।